आज मैं आपको 2021 का एक फैंटेसी और मिस्ट्री ड्रामा का रीकैप देने जा रही हूं, जिसका टाइटल है लैम। एक बर्फीले तूफान के दौरान घोड़ों का एक ग्रुप एक अननोन क्रिएचर से डर जाता है। बाद में वही भारी सांस लेने वाला क्रिएचर पास के एक बांध में चला जाता है और लैम्स को अलर्ट करता है। एक चाइल्डलेस कपल इंग्वर और मरिया आइसलैंड के पहाड़ों में रहते हैं। वे लैम्स की देखभाल करते हुए और परिवार के लिए सब्जियां उगाने के लिए जमीन पर खेती करते हुए एक बहुत ही प्रिमिटिव क्वाइट लाइफ जी रहे हैं। चूंकि यह जगह दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी सिक्लूडेड है, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे की कंपनी में बिताते हैं या घर के कामों में बिताते हैं। एक शाम जैसा कि मरिया अपनी लैम्स को काउंट करती है कि बान में उनके पास कितने हैं, इसका ट्रैक रखने के लिए वो सोचती है कि नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर है, लेकिन इंग्वर को झुंड का एक्सटेंड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की। उससे काम के बारे में बात करते हुए मरिया उसे ट्रैक्टर के बारे में बताती है, यह कहते हुए कि यह फिर से समस्या पैदा कर रहा है, जिसके लिए वो जवाब देता है कि उन्हें इसे प्लांटेशन सीजन से पहले ठीक कर लेना चाहिए। वे एक अजीब इवेंट का एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि लैम्स में से एक हाइब्रिड लैम को जन्म देती है जिसमें आधा लैम आधा ह्यूमन शरीर होता है। यह महसूस करते हुए कि उसका ह्यूमन होने की ओर अधिक झुकाव है, मरिया उसे घर के अंदर ले जाती है और दोनों उसकी देखभाल करने लगते हैं। चूंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वे अपना प्यार लैम को डेडिकेट करते हैं, जिसे वे अदा कहते हैं। इंग्वर अदा के लिए एक बेबी कार्ट भी लाता है और उसे अपने बेडरूम में रख देता है ताकि वो हर समय उनके साथ रह सके। जैसे ही वे अदा को अपने फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी बायोलॉजिकल माँ उसे बुलाती रहती है, लेकिन वे उसे वापस नहीं करते हैं। मरिया को उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए देखकर इंग्वर अपसेट हो जाता है और निराशा से रोता है कि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन मरिया से अपना दुख छुपाता है क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे ही इंग्वर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका कुत्ता उसे खेत में कुछ स्ट्रेंज की ओर इशारा करता है, लेकिन वे यह पता नहीं लगा पाता है कि यह क्या है। समय बीतता जाता है और अदा की माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के बाहर दिखाई देती रहती है, लेकिन मरिया हमेशा उसे दूर भेजती है क्योंकि अदा उसे देखती है। एक सुबह जब मरिया खेतों में काम करने के लिए निकलती है और इंग्वर अदा की देखभाल करता है, तो वो गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है और बाहर शेड में काम करने जाता है। जैसे ही दोनों घर वापस आते हैं, मरिया अदा के बारे में पूछती है। वो उसे कहता है कि उसने बाहर जाने से पहले उसे सुला दिया था। वो उसकी तलाश करती है लेकिन उसे बेडरूम में नहीं ढूंढ पाती है। वे घर के चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि अदा घर से गायब है। मरिया उसके बारे में चिंतित हो जाती है, लेकिन वो उसे एश्योरेंस देता है कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। वे इलाके की तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कहीं नहीं ढूंढ पाता। जैसे ही वे निराश होकर वापस आते हैं, मरिया बांध से लैम्स को सुनती है और उनके पास दौड़ती है, जहाँ वो अपनी माँ के पास अदा को सोती हुई पाती है। वे उसे तुरंत भेड़ों में से ले जाते हैं और उसे ठंड से बचाने के लिए उसे ढंक देते हैं। जैसे ही वे उसे वापस घर के अंदर ले जाते हैं, मदर शीप उनका पीछा करने लगती है, लेकिन मरिया एक बार फिर उसे दूर भेज देती है। वापस अंदर आने और उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद दोनों ने आखिरकार राहत की सांस ली, यह जानकर कि उनकी बेटी अब उनके साथ सुरक्षित है। जैसे जैसे समय बीतता है, अदा परिवार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है, खासकर मरिया के लिए, जो उसके बिना नहीं रह सकती और उसके साथ काफी समय बिताती है। रात में सोते समय मरिया को शीप्स के बारे में बुरे सपने आते हैं, यह सोचकर कि वे अदा को उससे दूर ले जा सकते हैं। वो अदा के बारे में चिंतित हो जाती है और खतरे से छुटकारा पाने की योजना के बारे में सोचती है। इंग्वर और अदा को सोते हुए छोड़कर वो घर के बाहर आती है और अदा की माँ को गोली मार देती है। मरिया शीप को जमीन में गाड़ देती है, यह जाने बिना कि इंग्वर का भाई पेटर, जो अभी आया है, ने पूरी घटना देखी। जैसे ही पेटर रात को बांध में बिताता है, वो एक ह्यूमन शीप हाइब्रिड को देखता है, लेकिन सोचता है कि यह एक सपना है क्योंकि यह जल्दी से गायब हो जाती है। अगली सुबह वो उठता है और इंग्वर से मिलता है, जो लंबे समय के बाद उसे वापस देखकर खुश होता है। इंग्वर उसे बाहर ले जाता है और मरिया को गेस्ट के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए कहता है। जैसे ही वे खाने की टेबल के चारों ओर बैठते हैं, अदा, जो अब बड़ी हो गई है, दरवाजे पर दिखाई देती है और मरिया उसे पेटर से मिलवाती है। वो उसे देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जैसे ही अदा और मरिया एक साथ समय बिताते हैं और इंग्वर घर को पेंट करता है, पेटर घर के अंदर वापस आ जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखता है।
जब इंग्वर आता है तो वो अदा पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन इंग्वर को उसके ओपिनियन की परवाह नहीं है क्योंकि वो अदा को उनकी खुशी का कारण मानता है। रात में जब मरिया अदा को उसे और इंग्वर को गुड नाइट कहने के लिए लाती है, पेट फिर से उसे रखने के बारे में इंग्वर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकता है क्योंकि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो जब तक चाहे पेट को रहने की पेशकश करता है, लेकिन उसे अपनी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने से रोकता है। चूंकि मरिया पेट के रवैये से खुश नहीं है, वो इंग्वर से उसके रहने के बारे में पूछती है, लेकिन इंग्वर जानता है वो थोड़े दिन के लिए ही रहेगा क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से छिपने के लिए आता है जिन पर उसका पैसा बकाया है। अगली सुबह जैसे ही वे खेत में आलू बोते हैं, कुत्ता अदा को देखता है, लेकिन वो उसे डरा देती है। काम से ब्रेक लेते हुए पेटा मरिया के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। वो एक बार फिर कहता है कि वे घर के अंदर एक जानवर लाए हैं, लेकिन मरिया उसके कंसर्न पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसका उनके पारिवारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह इंग्वर शेड की सफाई में कुछ मदद लेने के लिए उसे जगाता है। सामान की सफाई करते समय पेटर अपने पुराने ड्रम पाता है और एक्साइटेडली बजाना शुरू कर देता है, जिसका अदा आनंद लेती है, लेकिन वो उससे नाराज हो जाता है। वो उसे शीप के बच्चे की तरह खाने के लिए मजबूर करके उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्वर वहां आ जाता है और उसे इस तरह चिढ़ाने के लिए डांटता है। एक रात जब वे सोते हैं, पेटर अदा को अपने साथ सुबह की सैर के लिए बिना बताए ले जाता है और उसे गोली मारने का इरादा रखता है, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर अपना मन बदल लेता है। इसके तुरंत बाद मरिया जागती है और अदा को उसकी कार से गायब पाती है। वो परेशान हो जाती है और उसे घर के चारों ओर खोजती है, लेकिन उसे पेटर की बाहों में सोता हुआ पाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मरिया कब्रिस्तान का दौरा करती है, यह खुलासा करती है कि उसकी और इनवार की एक बेटी थी जिसका नाम अदा था और उसके नाम पर लैम का नाम रखा। अदा को कहानियां पढ़ते हुए इंग्वर अपनी मृत बेटी को खोने के बाद उसने कैसे दर्द महसूस किया को याद करता है, लेकिन मरिया ने उसे शांत कर दिया। पेटर अदा के क्लोज आता है और अक्सर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। इंग्वर और मरिया उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलते हुए देखकर खुश और रिलैक्स महसूस करते हैं। अदा के साथ मछली पकड़ते समय पेटर उसे अपने और इंग्वर के बचपन के बारे में बताता है। जैसे ही वे घर वापस जाते हैं, ट्रैक्टर सड़क के बीच में टूट जाता है। प्रॉब्लम का पता लगाने में अनेबल होने के बाद वो ट्रैक्टर वहीं छोड़ देता है और अदा के साथ घर वापस वॉक करते हुए जाता है। रात का खाना खाने के बाद सभी एक साथ एक गेम देखते हैं, लेकिन टीम के हारने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें परेशान देखकर मरिया उन्हें चीयर करने का फैसला करती है और पेटर का एक पुराना म्यूजिक वीडियो चलाती है। यह हर किसी के मूड को बदल देता है क्योंकि वे बीट पर नाचने लगते हैं। जैसे ही वे सभी आनंद लेना और पीना शुरू करते हैं, अदा घर छोड़ देती है और अपने बायोलॉजिकल पिता को देखती है। वो यह देखकर चौंक जाती है कि वो उसकी तरह दिखती है, न कि मरिया या इंग्वर की तरह। घर पर वापस इंग्वर नशे में हो जाता है और फ्लो पर गिर जाता है। पेटर उसे बिस्तर पर ले जाता है जहां अदा उसके पास आती है। वो जल्दी से सो जाता है, लेकिन अदा यह सोचना बंद नहीं कर सकती कि उसने घर के बाहर क्या देखा। इस बीच पेटर रसोई में वापस आता है और एक बार फिर मरिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। यह देखने के बाद कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अदा को यह बताने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है कि उसने उसकी रियल माँ को मार डाला है। उसकी बात सुनने के बाद मरिया उसके जाल में फंसने का नाटक करती है, लेकिन उसे कोठरी में बंद कर देती है। वो उसे फोन करता रहता है और दरवाजा पीटता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने के उसकी रिक्वेस्ट को अनसुना कर देती है। अगली सुबह वो उसे जगाती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो उसे छोड़ने जाती है, इंग्वर जाग जाता है और उन्हें घर के चारों ओर ढूंढता है, जबकि अदा नाश्ते में उसकी मदद करती है। उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद मरिया उसे बताती है कि अदा उनके लिए एक गिफ्ट है जो उन्हें स्टार्ट ओवर करने में मदद कर रही है। हालांकि उसके बिहेवियर से परेशान होने के बावजूद वो उसे खर्चों में मदद करने के लिए पैसे देती है और उसे अलविदा कहती है, क्योंकि वो शहर छोड़ने के लिए बस में चढ़ता है। इस बीच इंग्वर अदा को ट्रैक्टर ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है, जबकि यह बताता है कि अगर वो अपना रास्ता खो देती है तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। वो इस इशू को हल नहीं कर सकता, इसलिए अदा के साथ वापस चला जाता है। मरिया खुशी से घर वापस चली जाती है, यह सोचकर कि वे अंत में अदा के साथ पीसफुली रह सकते हैं। वापस आने के बाद वो इंग्वर और अदा को खोजती है, लेकिन उन्हें घर के आसपास नहीं ढूंढ पाती है।
जल्द ही वो एक बंदूक की गोली सुनती है और इंग्वर की जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन हाइब्रिड क्रिएचर जिसने पहले ही उनके कुत्ते को मार डाला है इंग्वर को अदा के सामने गर्दन में गोली मार देता है। अदा उसके बगल में रहती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इंग्वर से छीन लेता है, हालांकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती रहती है लेकिन उसका बायोलॉजिकल पिता उसे ले जाता है और इंग्वर उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जल्द ही मरिया उसे बुरी तरह से घायल स्थिति में पाती है और उसे उठा लेती है लेकिन वो उसकी बाहों में मर जाता है। मरिया अपने एलओस पर रोती है और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें।